प्रथम तहलका न्यूज। हिसार ऑनर किलिंग के बहुचर्चित मामले राजेश हत्याकांड में सीबीआई ने आरोपी लड़की के पिता और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए लड़की के पिता ने सीबीआई के सामने हत्या की बात को कबूल भी कर ली है। इस बात की जानकारी जय भीम आर्मी के चेयरमैन ने दी। इस हत्याकांड के बारे में आपको बता दे कि 23 अक्टूबर 2015 को राजेश ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन युवती के परिजन इस विवाह से नाखुश थे। 2 फरवरी 2017 को राजेश अचानक गायब हो गया था और 4 फरवरी 2017 को उसका शव मिर्जापुर धासू रेलवे फाटक के पास मिला था। मृतक के पिता ओम प्रकाश ने सीबीआई द्वारा मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि चाहे देर से ही सही, उन्हें न्याय तो मिला। मेरे लड़के ने सनातन धर्मचारी ट्रेवल ट्रस्ट संजय चौहान के ऑफिस में शादी की हुई थी और वह पुनम जाट जाति से संबंधित थे और मेरा लड़का मैं चमार जाति से संबंध रखते हैं हम, तो उनको सेफ हाउस भेज दिया गया। उनको वहाँ पर धमकी दी, मेरे को भी धमकी दी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कानून कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में वे पंजाब गए। पंजाब जाने के बाद में वहाँ भी धमकी दी गई इसको और हमें यहाँ भी पुलिस को बताते रहे, हमें बार बार धमकियाँ देने लग रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कोई भी कानून कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसको 2-2-17 को किसी काम के लिए गया था, लेकिन वह गर्भनिया में एप्लीकेशन लिखवाई तो लेकिन हमारी एप्लीकेशन नहीं लगी, न लिखी गुमशुदगी की। फिर बाद में 4 तारीख को गुमशुदगी की लिखी, उसके बाद में हमें उसकी डेड बॉडी का पता लग गया, तो 4-2-17 को उसकी डेड बॉडी मिली हमें। उसको डेड बॉडी ऐसी मिली कि उसकी बहुत बेरहमी से हत्या की गई। उसके बाद में हमें उनके परिवार वालों के नाम लिखवाए गए जो हमें धमकी देते थे और हमें अब भी उस जान का खतरा है। हमें भी अब भी ऑनर किलिंग का मामला हमें पहले ये गई थी, जब धमकियाँ मिलती थी हमें पुलिस को यही कहा था भाई उसने शादी की है लेकिन कैमरा भाई कोई हत्या ना कर दे उसकी। उसके बाद में पुलिस ने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया। सीबीआई वाले हर बार हमें पूछते रहे और हम बताते रहे। अब जो फिलहाल हमें सीबीआई ने पूछा, मतलब भाई एक तो जो पैसे देने वाला था वो पकड़ा गया है, एक जो पैसे लेने वाला है वो पकड़ा गया है। तो वही इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता रामनिवास कुश ने मामले को लेकर कई जानकारियां दी। उन्होंने भी इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किए जाने पर खुशी जताई है। यहाँ लोकल पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन में जब दूसरी पार्टी है वो इनको दबाव भी डालती रही, धमकियां भी देती रही, उसके बावजूद पुलिस वाले क्या करते कि इसके भाई को उठा के, कभी बाप को उठा के, जो लड़का मरे उसी के परिवार को टॉर्चर करते रहे और उस टॉर्चर से दुखी होके इन लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया और फिर एसपी को लेटर देके कि इसकी तफ्तीश ढंग से कराओ, ये टॉर्चर जो मुलजिम पार्टी जो सस्पेक्टेड पार्टी है उनको तो बुला नहीं रहे और विक्टिम पार्टी को ये अरेस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद अभी अप्रोच दी ऑनरेबल हाईकोर्ट, तो 482 में वहाँ पर डाला हमें कि सीबीआई को इसकी जाँच दी जाए, तो अल्टीमेटली द केस वॉज ट्रांसफर टू द सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो उसका रिजल्ट यही आया कि सीबीआई ने जो जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की उसके हिसाब से केस निकलाया कि जो दूसरी पार्टी जिसको सस्पेक्ट कर रहा था कंप्लेनेंट वही मुलजिम निकले हैं, 2 अरेस्ट हो गए हैं, बाकी कुछ और गिरफ्तारी होनी बाकी हैं अभी। चलिए हत्या के 3 साल बाद ही सही पीड़ित पक्ष को कम से कम न्याय तो मिला। इन सब से तो यही सीख मिलती है कि देर से ही सही मगर न्याय के दरवाजे पर अंधेर नहीं है। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी कारोबार, वशीकरण प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, मोबाइल नंबर 9878678629।